एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहल उठा। ताजा मामला सूर्य विहार कॉलोनी का है, जहां पर 18 से 20 बदमाशों ने कट्टे, पिस्तौल और लाठियों से एक घर पर हमला कर दिया। बदमाश अचानक आए और उन्होंने आते ही सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दिया और घर के बाहर रखी हुई गाड़ी में तोड़ फोड़ कर बदमाश वहां से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला भिंड में हार्वेस्टर चलाने को लेकर विवाद के चलते हुआ है। गोली चलाने के मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो यह बदमाश अवैध हथियार लेकर इतनी बड़ी संख्या में शहर में कैसे घूम रहे हैं? आचार संहिता के दौरान इस तरह की घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगाती हैं।